जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से आपको मदीना बुला लेंगे की आवाज बुलंद नहीं हो रही है। आपको ये भी दिखाना है कि आपके सामने इस वक्त कौन खड़ा है, ये भी आपको बता देना है कि हम उनकी बात की बात ना रखते हैं, तो आप हजरात हाथों को उठाइए और एक इमाम आपके सामने बोल रहा है, हाथों को बुलंद कीजिए और उस रसूल पाक के नाम पर बुलंद कीजिए और पुकार कर कहिए या रसूल अल्लाह लबैक या रसूल अल्लाह लबैक या रसूल अल्लाह लबैक या रसूल अल्लाह लबैक या रसूल अल्लाह। हजरत दिलबर जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से जरूर ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो मेरे नबी का चला खानदान बेटी से मेरे मैं एक बात बात पूरे मजलिस में ऐलान करना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जिनको बेटी दी है जिनको बेटी दी है उस बेटी को कल तक जिंदा जमीन में गाड़ा जाता था, मेरे रसूल का करम हुआ कि वो बेटी अब जिंदा नजर आ रही है। बेटी जिंदा नजर आ रही है जिनको अल्लाह ताला ने बेटी दिया है और बेटी से बेइंतहा प्यार होगा वही बोलेगा सुभान सुभान अल्लाह। इससे पता चल जाएगा कि कौन लोग अपनी बेटी से प्यार नहीं करते हैं, जिनका हाथ नहीं उठेगा समझ लीजिएगा कंजूसी कर रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह अल्लाह हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह हमारे दिलदर शाही अपना कलेजा जला रहे हैं आपके बीच में जरा आप भी मोहब्बतों का नजराना पेश कर दें और कह दें नारे तकबीर नारे मेरे नबी का चला खानदान मेरे नबी का चला खानदान जोर से मेरे नबी का चला खानदान। अब जिनके पास अच्छा जिनके पास बेटे ही बेटे हैं वो तो पूरा मौज में ताव देता होगा मेरे पास तो बेटा है बुलेट तो आएगा ही मगर आगे झांक के देखना अल्लाह की कोई तो मर्जी होगी जब तो मेरे सरकार का खानदान बेटी से चली चली हैं हैं मैं एक बार और हुआ मैं एक बार और पढ़ता हूं बहुत अच्छा है मेरे नबी का चला खानदान जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से बेटी से आपको कहना है जमाने भर की बड़ी घर की शान महकता रहता है दिल का जहां जरूर ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो
मैदान पे तीर से मेरे नबी का जला खानदान पे तीर से मेरे नबी का जला खानदान पे तीर से बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता न जाने क्यों तुम्हारे दिल ये घर अच्छा नहीं लगता समान भर के सारी नेमत मौजूद फिर भी अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता अगर बेटी ना हो घर में तो घर घर अच्छा नहीं लगता अगर बेटी ना हो घर में तो घर 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 अच्छा नहीं लगता आखिरी चार मिसरे पढ़ देता हूँ दो बज गया आपको पता है कोई पता लगा लगा अभी और भी पता नहीं लगेगा जब जमजम भाई आएंगे बहुत अच्छा हमसे भी अच्छा पढ़ते हैं जब हम हमको इतना अच्छा सुन रहे हैं तो उनको और अच्छा सुन रहा है कि नहीं बहुत अच्छा पढ़ते हैं इसी लहीम सहीम है पहचाना माइक को जमजम मार मार चार मिसरे पढ़ता हूँ निकल आए जो सूरज थक गया नहीं थक नहीं थक जबरदस्ती बोले थक गया ये देखो देखो जो जो नहीं थका वो हाथ उठाए तो जो जो नहीं थका वो हाथ उठाए निकल आए जो सूरज तो उजाला तकती रहती है पंद्रह दिन हो जाए घर न पहुंचूं बेटियां फोन करेंगी कब आओगे बोले कल आ जाए रोज तुम्हारा कल होता है कब आओगे डेली बोलते हैं कल आ जाए निकल आए जो सूरज तो उजाला तकती रहती है बड़े ही प्यार से वो मेरा चेहरा तकती रहती है ना लौटूं जब तक घर दोस्तों तब तक मेरी बेटी बैठ के वो मेरा रास्ता तक तेरा रहती है गली में बैठ के वो मेरा रास्ता तक रहती है गली में बैठ के वो मेरा रास्ता तक रहती है गली में बैठ के वो मेरा रास्ता तक रहती है इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया फिर हाजिरी होगी।